Good morning friends, welcome to my YouTube channel English Notes. Today I am going to tell you about question words, and with the help of these question words we can make impressive questions, and these questions are the part of sentence also, and this is the third part of the sentence which I told you earlier in the earlier video. Please, before this, please subscribe my channel, share the video, like the video and comment it also. लेट इज स्टार्ट फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये इनकी मैं आपको हिंदी बताऊंगा और उसके साथ साथ ये किस लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. तो सबसे पहले लेते हैं वॉट. वॉट का मतलब होता है क्या, और सेंटेंस के अंदर ये पर्पज़ को शो करता है या ऑब्जेक्ट को शो करता है. दूसरा वर्ड है यहाँ पर वैन, और वहन यहाँ पर टाइम को इंडिकेट करता है, यानी कि समय के लिए प्रयोग होता है सेंटेंस के अंदर, और इसका मतलब होता है कब. उसके बाद आता है हु. हु पर्सन के लिए यूज़ होता है और इसका मतलब होता है कौन, यानी कि ये हमेशा सेंटेंस के अंदर पर्सन के लिए यूज़ होगा, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ होगा. जिस भी क्वेश्चन में हु का यूज़ होगा इसका मतलब हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं. उसके बाद आता है विच. विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का. जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी क्वेश्चन में, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं. उसके बाद आता है हाउ. हाउ का मतलब कैसे, यानी कि ये मैनर के लिए यूज़ होता है कि आपने काम कैसे किया, किस तरीके से किया. मैनर का मतलब यहाँ पर तरीके से है, तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर हम पूछ रहे हैं कि इस काम को करने का तरीका क्या है. अब इसके आगे आता है होम. होम पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो किसको, किसको के लिए प्रयोग होता है होम सेंटेंस के अंदर. और जब हम ये पूछते हैं कि आप किसको बुला रहे हैं तो होम आर यू कॉलिंग, तो इस तरह से हम इसको होम को सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं. इसके बाद आता है वेयर. वेयर का यूज़ होता है फ्रेंड्स प्लेस के लिए, यानी कि जगह के लिए, स्थान के लिए, और इसका जो मीनिंग होता है वो कहाँ होता है. जैसे वेयर डू यू लिव, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है. तो लेकिन हमें पता चल जाता है कि वेयर का यूज़ हम प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ इसका हिंदी अर्थ है. उसके बाद आता है हुज. हुज भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है किसका या किसकी. जब हम किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि किसकी है, इस वस्तु का संबंध किससे है, तो वहाँ पर हम हुज का प्रयोग करते हैं. अभी मैं सेंटेंस आपको बताऊंगा तो सेंटेंस से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद कुछ आते हैं कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स. ये कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स. और ये कैसे यूज़ होते हैं, इनमें हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर का और फ्रॉम का, इन सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है. अब जैसे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, तो फॉर व्हाट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उद्देश्य क्या है, किस लिए यहाँ पर आए हो, इस तरह के सेंटेंसेस हम पूछ सकते हैं. फॉर व्हाट वहाँ पर यूज़ होगा. इसी तरह से फॉर होम. फॉर होम पर्सन के लिए यूज़ होगा, और इसका मतलब भी लगभग यही होता है कि किसके लिए या किस लिए. फॉर विच का मतलब भी सेम होता है, किसके लिए, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है. तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम कुछ और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स, उनको भी आगे. ये क्वेश्चन वर्ड्स फ्रेंड्स वैसे तो संख्या में केवल 8 होते हैं, 8 क्वेश्चन वर्ड से ही कुछ कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं. तो और जैसे ये कंपाउंड होते हैं तो इनका थोड़ा सा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. जैसे फॉर हाउ लॉन्ग. फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब कब से या कितने समय से. इसी तरह से सिंस व्हेन, इसका मतलब भी कब से या कितने समय से, यानी कि दोनों को हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होगा. और ये एक ऑप्शनल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से वेयर फ्रॉम. वेयर फ्रॉम का मतलब कहाँ से, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पे आप रहते हो या कहाँ से हो. हाउ मच. हाउ मच यूज़ करते हैं हम फ्रेंड्स मात्रा के लिए, और कितने इसका हिंदी वर्ड्स होते हैं, हिंदी मीनिंग होता है. इसी तरह से हाउ मैनी,
ये संख्या के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, और इसका मतलब भी कितने से होता है कि कितने हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी थे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, अब देखते हैं कि इनको हम सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और इनके सेंटेंस बना करके हम अच्छे से इनको समझ लेते हैं। विच का प्रयोग, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी कि विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, और ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, विच बुक डू यू वॉन्ट, यानी कि आप कौन सी बुक चाहते हैं, कौन सी बुक आपको चाहिए, यानी कि बहुत सारी बुक आपके सामने हैं और उन बुक में से कोई एक बुक आपको चाहिए, सिलेक्शन करना है हमने, तो इसलिए हम यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करेंगे विच बुक, यानी कि कौन सी बुक आपको चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हाउ, हाउ जैसे मैंने बताया था आपको कि मैनर के लिए यूज़ होता है, हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल, आप ये सब कैसे संभाल लेते हो, तो ये ऐसे सेंटेंसेस में हाउ का यूज़ होता है, यानी कि कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है, आप ये सब निपटा लेते हो, आप ये सब कर लेते हो, हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल, तो यहाँ पर ये मैनर के लिए यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से आप देखें। उसके बाद आता है होम, अब होम जैसे मैंने आपको बताया था कि होम किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये किसका और किसके, अब जो होम डू यू वॉन्ट टू गो देयर, आप वहाँ पर किसको भेजना पसंद करेंगे, ठीक है, यानी कि आप वहाँ पर किसको भेजना चाहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ भी आप साथ साथ देखते जाएं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो हमारे कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं ये, तो इनका अर्थ भी आप देखते जाएं। तो होम डू यू वॉन्ट टू गो देयर, यानी कि आप वहाँ किसको भेजना पसंद करते हैं और कौन क्या चाहते हैं कि किसको वहाँ पर भेजा जाए, तो ये पर्सन के लिए यूज़ हुआ है होम, किसको के लिए। उसके बाद आता है वेयर, वेयर जो प्लेस को इंडिकेट करता है और इसका मतलब होता है कहाँ, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, हम कुछ भी समय भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो वेयर आर यू गोइंग, फ़िलहाल हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि आप प्लेस के लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सी जगह पर आप जा रहे हैं। हुज़ पेन इज़ दिस, अब जैसे मैंने बताया था कि हुज़ भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसका किसकी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक अधिपत्य को दिखाता है कि इस पर अधिकार किसका है, तो यहाँ पर हुज़ पेन इज़ दिस, यानी कि ये पेन किसका है, तो यहाँ पर इस पेन के ऊपर एक अधिकार दिखा रहा है, लेकिन ये यूज़ हो रहा है पर्सन के लिए, तो हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ बुक इज़ दिस, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, हमें अच्छे से ये समझ आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं जो हमने कंपाउंड वर्ड्स बताए थे कि उनको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यू आर वेटिंग फॉर वॉट, आप किस लिए वेट कर रहे हो, ये कुछ नुकसान हो जाए उसके लिए वेट कर रहे हो क्या, यहाँ पर ये पर्पज़ को शो कर रहा है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, किस क्या उद्देश्य है आपका, किसके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वॉट यू आर वेटिंग फॉर, यानी कि फॉर को हम बाद में भी ले जा सकते हैं और वॉट को हम पहले भी लगा सकते हैं, एक बार सुन लीजिए और सुन लीजिए फ्रेंड्स, वॉट यू आर वेटिंग फॉर, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं फॉर होम, फॉर होम जैसे मैंने आपको बताया था पर्सन के लिए यूज़ होता है, फॉर होम डू यू वॉन्ट आ जॉब, किसके लिए तुम्हें ये जॉब चाहिए, फॉर होम डू यू वॉन्ट दिस जॉब, किस व्यक्ति के लिए आपको ये जॉब चाहिए, तो इस तरह से हम फॉर होम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है यू आर वेटिंग फॉर विच मिस हैपनिंग, अब ये सेंटेंस, वैसे ये सेंटेंस यहाँ पर लगभग मिलता जुलता है, तो यहाँ पर लेकिन इसको यहाँ पे हम सिलेक्शन के लिए कह सकते हैं कि आप ऐसी कौन सी दुर्घटना के लिए वेट कर रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब यही है, वाई आर यू वेटिंग, सीधे सीधे इसका मतलब यही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे इसका मीनिंग थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाता है कि यू आर वेटिंग फॉर विच मिस हैपनिंग, कौन सी दुर्घटना के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन है कि दुर्घटनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन आप कौन सी दुर्घटना के लिए वेट कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, अब जैसे हमने बताया था आपको कि हाउ लॉन्ग,
फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब हमने बताया था कितने समय के लिए, कि किस समय कितने कब से रह रहे हो, ठीक है। तो कब से और कितने समय के लिए फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन यूज़ होता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा बता सकते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आप कितने समय से रह रहे हो, दिल्ली के अंदर आप कितने समय से रह रहे हो। तो ये सेंटेंस के अंदर हम जब इसका यूज़ करेंगे तो हमारी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतने वर्ड्स जब भी आपके दिमाग में बैठेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने से भी आपको सेंटेंस बना करके अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, कब से या कितने समय से। तो हम जब सेंटेंस में इसको यूज़ करेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग हियर, कब से आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं या कितने समय से आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से इसका वर्ड का जो मीनिंग बैठता है वो समय के लिए है यहाँ पर, और ये इसका मीनिंग बैठता है कि कब से या कितने समय से। तो इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब, सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू योर ऑफिस। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आती है बात वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम यू आर, सीधे सीधे है कि आप कहाँ पर बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, सिंपल सा सेंटेंस है। हम जनरली पूछते भी रहते हैं कि आप कहाँ से हो, तो यहाँ पर हम वेयर फ्रॉम का यूज़ करते हैं और ये प्लेस को इंडिकेट करेगा फ्रेंड्स, ये बताएगा कि किस जगह पर हम रहते हैं। तो उसके बाद आता है, इसकी सेंस इससे भी निकल सकती है, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। अब यहाँ पर डू छूटा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये डू आप लगा लेंगे, यूज़ कर लेंगे, विच कंट्री यू बिलोंग टू, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। हाउ मच, हाउ मच का मैंने बताया था आपको कि मात्रा के लिए यूज़ होता है, हाउ मच शुगर डू यू वॉन्ट, आपको कितनी चीनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 kg, 3 kg, 4 kg लगा सकते हैं, तो ये मात्रा है, क्योंकि मात्रा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2, 2, 3, 4 को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये हम तोलते हैं ना कि काउंट करते हैं। तो इसी तरह से जब हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, हाउ मैनी ऑफ यू आर रेडी, कि आप में से कितने लोग तैयार हैं, ये संख्या के लिए यूज़ होता है, नंबर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम इसका सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप में से कितने तैयार हैं, किसी काम को करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसे लगी है। थैंक यू वेरी मच।